गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर टू पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। पार्ट्स यानी भाग, प्लांट यानी पौधा। इसमें देखिए, इस जो प्लांट है उसमें टू सिस्टम बताए गए हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम सॉइल के अंदर रहता है, जिसमें मेन पोर्शन होता है रूट का। रूट यानी जड़, ये क्या कहलाता है? रूट सिस्टम। रूट से ऊपर का जितना भी पोर्शन है सॉइल के ऊपर रहता है, ये कहलाता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या आएंगे? लीव, स्टेम, फ्लावर, बड, ब्रांचेस, ये सारे के सारे शूट सिस्टम में आएंगे। तो कितने अगर हम पार्ट्स कह सकते हैं प्लांट के, उनको टू सिस्टम में डिवाइड किया गया है, रूट और शूट। इनमें भी रूट सिस्टम नीचे होता है जो सॉइल के अंदर रहता है, और शूट सिस्टम सॉइल के ऊपर रहता है, जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड्स और ब्रांचेज आते हैं। अब देखिए, आपके इसमें दिया है प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट हैज़ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। पार्ट्स के, प्लांट्स के बहुत से पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स का एक डिफरेंट फंक्शंस होता है। देखो, जैसे रूट है तो रूट क्या करती है? वाटर, मिनरल्स को सॉइल में से अब्जॉर्व करती है और स्टेम और लीफ तक पहुंचाती है। उसके बाद स्टेम क्या करता है? प्लांट को इरेक्ट रखता है और जब हवा आती है ना तो प्लांट्स को गिरने से बचाता है। नेक्स्ट लीफ, लीफ में क्या बनता है? फूड बनता है, किचन ऑफ द प्लांट कहलाती है लीफ। इस तरह से कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। रूट एंड शूट, ए प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। रूट, रूट्स जनरली ग्रो बिलो द ग्राउंड। रूट्स कहाँ रहती है? बिलो द ग्राउंड। बिलो यानी नीचे, ग्राउंड के नीचे जो भी सॉइल के अंदर प्लांट का पोर्शन है वो रूट कहलाता है, उसी से रूट सिस्टम बनता है। अब इसके फंक्शंस देखिए, रूट के फंक्शंस क्या क्या है? दे कीप द प्लांट एंचॉर्ड और फिक्स्ड टू द सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉइल में इसको, प्लांट को फिक्स्ड रखती है। सेकंड, दे हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। ये जितने भी, ये जो रूट है ये वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में है उसको एब्जॉर्ब करती है। ए प्लांट नीड्स दीज टू ग्रो एंड मेक इट्स ऑन फूड। प्लांट्स को वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं लीफ पोर्शन में, और जो लीफ है वो किचन ऑफ द प्लांट कहलाती है। तो प्लांट को जब फूड बनाते हैं तो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर से। और पार्ट्स कौन सा हो गया? वो रूट। प्लांट्स कैन हैव आइदर ए टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टू टाइप की रूट बताई है, एक है टैप, एक है फाइब्रस। फर्स्ट टैप, सेकंड फाइब्रस। अब नेक्स्ट नो मोर में देखिए, एरियल रूट्स आर थिन रूट्स। जो एरियल रूट्स होती है, कभी कभी ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी रूट्स ट्रीज के ऊपर आके लटक जाती है, तो उनको कहते हैं एरियल रूट्स आर थिन, पतली होती है। दे हैंग फ्रॉम बिग ट्रीज, वो बिग ट्रीज पे हैंग यानी लटक जाती है। इन सम ट्रीज द एरियल रूट्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए प्रॉप रूट। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें एरियल रूट्स जो है उनको प्रॉप रूट्स भी कहते हैं, एज दे सपोर्ट द ट्री। एग्जाम्पल दोज ऑफ द बेनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ है उसकी जो रूट है वो एरियल रूट्स है। नेक्स्ट, ए टेप रूट इज ए लार्ज थिक रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन फ्रॉम ए प्लांट इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम डीप इन द सॉइल। जो टैप रूट होती है वो लार्ज होती है और थिक, मोटी होती है, ग्रो करती है बिल्कुल स्ट्रेट, नीचे जाएगी ना ग्राउंड के अंदर सीधी एकदम। अब इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल है, कैरेट यानी गाजर, रेडिस, मूली, मस्टर्ड, सरसों और बीन। ए फाइब्रस रूट सिस्टम इज कम्पोज टू ए बंच ऑफ स्मॉल ब्रांचिंग रूट्स दैट ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लांट। फाइब्रस रूट्स कैसी होती हैं? उसमें बहुत सारी मेन ब्रांचेस नहीं होती है, बहुत सारी रूट्स निकली हुई रहती है। लेकिन टैप रूट्स में एक मेन जो ब्रांच निकली हुई रहती है और वो एकदम इरेक्ट ही नीचे की तरफ ग्रो करती है। नेक्स्ट, और छोटी रूट्स बाहर निकलती है। ये है टैप रूट, ये है फाइब्रस रूट।
बंच हो गया गुच्छा. दे डोंट गो डीप इन टू द सॉयल. ग्रास, राइस, वीट, ऑनियन इसके एग्जाम्पल्स हैं. इन सम प्लांट्स रूट हैव अनदर फंक्शंस. दे स्टोर फूड वेजिटेबल्स सच एज बीट रूट, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड एक्चुअली द रूट्स ऑफ प्लांट्स. कुछ रूट्स ऐसी है जिसमें कि फूड स्टोर्ड रहता है. उनके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, बीट रूट, कैरेट, रेडिश, टर्निप. ओके, तो ये रूट्स हो गया. उसके बाद रूट, रूट का रूट सिस्टम कंप्लीट. रूट सिस्टम में एक पोर्शन है रूट. नेक्स्ट हम ऊपर आएंगे तो स्टेम है. स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम एंड ग्रोज अबव द ग्राउंड. अबव यानी ऊपर, ग्राउंड के ऊपर उगता है, वो क्या कहलाता है, स्टेम. द अदर बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट नेमली लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम. स्टेम के ऊपर ही लीव्स, फ्लावर, रूट्स और सॉरी लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स ग्रो करते हैं. इम्पॉर्टेंट फंक्शंस स्टेम के देखिए. इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट एंड कीप्स इट्स अपराइट. ये क्या करता है, सपोर्ट देता है प्लांट को और उसको सीधा खड़ा रखता है. सेकेंड, इट अलाउज द लीव्स टू रीच सनलाइट दे नीड टू प्रोड्यूस फूड. ये क्या करेगा, जब प्लांट को सीधा रखेगा तो लीव्स के ऊपर जो सनलाइट है वो आएगी और फूड बनाने के लिए, आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट यूज में आती है, तो लीव्स को सनलाइट मिलेगी. इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये क्या करेगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ लीव, फ्लावर्स और फ्रूट तक लेके जाएगा. स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक पोटेटो, जिंजर, शुगर केन, इनके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है. ये स्टोर्ड फूड के एग्जाम्पल्स हैं. स्टेम कैन बी सॉफ्ट और हार्ड. स्टेम सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी होता है. वीक और स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर और मजबूत भी हो सकता है. आपने बहुत से ट्रीज देखे हैं जिनके स्टेम बहुत मोटे भी होते हैं और कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिनके लचीले होते हैं, जिससे क्या होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करते हैं. ट्रीज सच एज मैंगो, कोकोनट हैव थिक हार्ड स्टेम नोन एज ट्रंक. शर्ब आर शॉर्ट वुडी प्लांट विथ सेवरल स्टेम्स ग्रोइंग नियर द ग्राउंड. रोज एंड बोगनवेलिया आर शर्ब्स. क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम. दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो अपराइट. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन, पम्पकिन एंड वाटरमेलन प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम. दीज प्लांट्स क्रीप, क्रीप यानी रेंगना, अलॉन्ग द ग्राउंड एज दे ग्रो एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, रेंगने वाले. तो ये आपके स्टेम के फंक्शंस हो गए और कुछ स्टोर्ड फूड के स्टेम के एग्जाम्पल्स हो गए. आज आपको ये रीड भी करना है और चैप्टर आपको रीड करना है. ओके.